हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। सर, पर्यावरण की महत्व को समझते हुए पौधारोपण किया सर? देखिए, निश्चित रूप से पर्यावरण के विभिन्न घटक, जल, जंगल, जमीन, जलवायु, इन सब के संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी है और इनकी महत्ता को कोरोना की इस आपदा के समय लोगों ने और भी अधिक करीब से महसूस किया है। मैं मानता हूं कि ये विषय जब समाज अपने हाथ में ले, इनकी जिम्मेदारी को, इनके संरक्षण को समाज अपने हाथ में ले लेगा, तभी इनका संरक्षण सुनिश्चित हो पाएगा। तो जल के आंदोलन को, जंगल के आंदोलन को, जमीन के आंदोलन को, जलवायु के आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जिस विचार परंपरा से आती है, उस विचार परंपरा के सभी घटक इन सारे विषयों के संरक्षण के लिए और इन विषयों को लेकर के जन जागृति के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी देश भर में वृक्षारोपण का ऐसा कार्यक्रम लिया है। मैं ये मानता हूँ कि जब समाज के सब घटक मिलकर के ऐसे विषयों के संरक्षण के लिए काम करते हैं तो निश्चित ही लाभ होता है। काफ़ी दिनों से प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई थी और देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग अच्छे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है कि देश में नदी से नदी जुड़े। आपको यह जिम्मेदारी दी, भीलवाड़ा जिले के एक सरपंच से वार्तालाप करते हुए भी कहा कि हमने जल की कमी को समझते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी को बनाया। क्या योजना सर नदी से नदी जोड़ने की आगे? देखिए, देश में डेफिसिट बेसिन, जहाँ पानी की कमी है, ऐसी नदियों में जहाँ हर साल बाढ़ आती है, उन नदियों से पानी ट्रांसफ़र किया जा सके, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस सपने को देखा था। एक टास्क फोर्स बाद में, जब यूपीए की सरकार के बाद में, जब भारतीय जनता पार्टी की एनडीए के मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब बनाई गई। देश भर में ऐसे 31 लिंक आइडेंटिफाई किए गए जहाँ सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उनमें से जो प्रायोरिटी लिंक्स हैं उनकी हमने डीपीआर बना दी है, लेकिन क्योंकि भारत के संविधान की व्यवस्था के अनुरूप जल राज्यों का विषय है और राज्यों का विषय होने के नाते राज्यों को ही प्राथमिक तौर पे आपस में उसके लिए सहमति बनाने की आवश्यकता है। एक लिंक जिसके ऊपर पिछले 15 सालों से इसके लिए काम कर रहा था, उत्तर प्रदेश के केन और बेतवा नदी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो सबसे सूखा क्षेत्र है बुंदेलखंड, उसके जल समृद्धि के लिए मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमने उसके लिए जो है दोनों राज्यों के बीच में जो 15 साल से सहमति नहीं बन पाई थी वो सहमति हमने बना ली है। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश में नदियों के जोड़ने की का जो क्रम है वो शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। सर, अब देखना यह होगा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान के बाद देश में कब नदी से नदी जुड़ने का कार्य प्रारंभ होता है। सोमदत्त त्रिपाठी, ईटीवी भारत, भीलवाड़ा।